ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाला घर जमाई, जिसकी औकात एक कुत्ते से भी बदतर थी। कैसे शहर के सारे अमीर लोग उसके पैरों में नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जो कल तक मेरे घर का नौकर था उसी दो कौड़ी के इंसान से मेरी शादी करवा दी गई। शादी चाहे जैसे भी हुई हो रीवा, पर अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो। पति? माय फुट, तुम्हारी औकात मेरा कुत्ता बनने की भी नहीं। जाओ दफा हो जाओ और जाकर मेरे कपड़े प्रेस करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आरुष कपूर एक गरीब इंसान था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। रीवा के पिता ने उसे घर पर साफ सफाई करने के लिए रख लिया था। एक रात मिस्टर वरुण मलिक आरुष के पास आकर उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ आरुष, मेरी बेटी रीवा से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके घर में नौकर हूँ, मैं अपनी ही मालकिन से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये एक बाप की मिन्नत समझ लो या भीख, पर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी। तभी मिस्टर वरुण ने आरुष से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आरुष को ये शादी करनी पड़ी। रीवा एक बिजनेस वुमन थी, पर वो अपने पापा की कोई भी बात नहीं टालती थी। उसने शादी करने के लिए लाख मना किया, पर मिस्टर वरुण कहाँ किसी की सुनने वाले थे और जबरदस्ती आरुष और रीवा की शादी करवा दी। शादी की रात जब आरुष रीवा के कमरे में गया तो रीवा गुस्से से भरी बैठी हुई थी। आरुष को देख उसे जलील करते हुए बोली, ओ तो मिस्टर पति देव मेरे साथ सुहाग रात मनाने आए हैं, राइट? नहीं रीवा, ऐसी बात नहीं है, पर अब तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा ना। ओ शट अप, ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई तुमने मेरे पिताजी को, जो तुम जैसे गवार को मेरे पल्लू से बांध दिया। जानते हो मेरा खर्चा कितना है, मुझे कैसी लाइफ जीने की आदत है, और तुम्हारी औकात क्या है इस घर में और मेरी जिंदगी में। हमारे इस बंगले में झाड़ू पोछा करके कितना मिलता है तुम्हें एक महीने का? मुश्किल से 6,000, उसमें तुम मुझे खुश रखोगे? तुम्हारा गुस्सा जायज है रीवा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रख। शट योर माउथ, बकवास बंद करो अपनी, उधर कोने में जमीन पर कपड़ा डालो और सो जाओ। और रही बात मेरे नजदीक आने की या मुझे छूने की, तो सोचना भी मत, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। इतना बोल रीवा बेड पर लेटकर सो जाती है और आरुष जमीन पर एक कोने में सो जाता है। इस बात को एक साल बीत गया था। इस बीच एक हादसे में मिस्टर वरुण भी चल बसे, पर इस शादी ने जैसे आरुष की जिंदगी बदल कर रख दी। इस एक साल में ना तो रीवा ने आरुष को करीब आने दिया और ना ही उसे कभी इज्जत दी। आरुष को हर रोज जलील होना पड़ता था, कभी रीवा तो कभी अपनी सास मधु मलिक के ताने सुनने पड़ते थे। वो घर का जमाई बन गया था, पर अभी भी वो घर के नौकरों वाले काम ही करता था। आज सुबह भी जब आरुष रूम से बाहर आया तो मधु के साथ औरतें बैठी हुई थी। मधु उसे नफरत से देखते हुए बोली, इधर आओ जरा, देखो मेरे पैर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो अच्छे से। पर मम्मी जी, इनके सामने तो। अब तू सिखाएगा मुझे कि कब क्या बोलना है, चुपचाप पैर दबा। आरुष चुपचाप अपनी सास के पैर दबाने लगता है। तभी वो औरत जिसका नाम नीना था बोल पड़ी, कमाल करती है मधु, ये लड़का तो तेरा दामाद है, तू इससे नौकरों वाले काम क्यों करवाती है? दामाद? अरे वो तो पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस भिखारी जैसा लड़का रीवा के गले पड़ गया। अब नौकर है तो नौकरों वाले काम तो करेगा, अब इसकी इतनी औकात तो है नहीं कि एक अच्छी नौकरी ढूंढकर मेरी बेटी को एक तोहफा भी दे सके। वैसे बोल तो तू सही रही है मधु, शहर के सारे लड़के तेरी रीवा के पीछे पागल थे, पता नहीं वरुण भाई साहब को इसमें क्या दिख गया। ये सब जैसे जहर बनकर आरुष के अंदर घुल रहा था, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये आज की नई बात नहीं थी, ये जिल्लत सहना तो जैसे उसका मुकद्दर बन गया था। तभी रीवा ब्लैक शॉर्ट टॉप पहने वहाँ आती है, बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख एक प्यार भरी स्माइल आरुष के होठों पर भी आ गई। एक रीवा ही तो थी जिसे देखकर वो सब भूल जाता था। तभी रीवा आरुष से रूखी आवाज में बोली, सुनो आज मेरे ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो। ठीक है चलो। ये लो मेरा पर्स और मेरी कुछ फाइल्स। रीवा उसके हाथ में फाइल्स थमाकर किसी बॉस की तरह चलने लगती है और आरुष एक ड्राइवर की तरह उसके पीछे पीछे। फिर भी आरुष खुश था और अपने मन में बोला, काम से ही सही, पर कम से कम दो पल का तुम्हारा साथ तो मिला।
आरुष रीवा के ऑफिस के गेट के सामने जाकर गाड़ी से उतरने लगता है तो रीवा उसे टोकते हुए बोली, एक मिनट आरुष, ये मेरा ऑफिस है और तुम जैसे फटीचर मेरे ऑफिस में अलाउड नहीं है। वैसे भी कोई तुम्हें मेरा पति समझकर मजाक उड़ाए ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगी। पर रीवा, मैं छोड़ देता हूँ ना अंदर तक, तुम्हारे इतने सारे फाइल्स। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, जाओ दफा हो जाओ। वैसे भी कल मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो जाए, तो घर जाओ और अच्छे से साफ सफाई करो। इतना बोलकर रीवा अंदर चली जाती है। आरुष की आंखें दुख से नम हो जाती हैं, पर रीवा के बर्थडे का सुनकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। तुम्हारा बर्थडे सुना कैसे जा सकता है, देखना कल का दिन तुम्हारा बहुत स्पेशल होगा। इतना बोल आरुष किसी को कॉल करता है। रीवा जैसे ही ऑफिस पहुंची तो उसकी असिस्टेंट टीना बोली, मैम मिस्टर नकुल बजाज इस शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक हैं। वो आपसे पर्सनली मिलने आए हैं। क्या, नकुल बजाज जिनका हीरो का बिजनेस है वो खुद मुझसे मिलने आए हैं? क्या तुम सच कह रही हो? यस मैम, वो आपके केबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रीवा अपने केबिन में पहुंची तो नकुल बजाज को देखती रह गई। वो ब्लू कलर के टू पीस सूट में था, व्हाइट शर्ट पहने, देखने में बेहद ही हैंडसम लग रहा था। तभी नकुल ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर रीवा के पांव तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या बोला नकुल बजाज ने जिसे सुनकर रीवा के होश उड़ गए? आखिर क्यों करवाई थी एक अमीर आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक नौकर से? और ऐसा क्या कहा मिस्टर वरुण ने आरुष से जिसे सुनकर आरुष ने शादी के लिए हाँ बोल दिया? क्यों आरुष इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था? क्या है उसका गहरा राज जो सबसे छुपा हुआ है? और क्या होने वाला है रीवा की बर्थडे पार्टी में? क्या आरुष रीवा को कर पाएगा खुश या और एक बार भरी महफिल में जलील हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए माई बिलियनर्स हस्बैंड का एपिसोड 2 हमारे YouTube चैनल लव FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।